अभी के टाइम में कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है। कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट के बिना आप कंपनी में नहीं जा सकते। अगर आप इंडिया से कोई भी कंट्री, कोई भी देश में जाना चाहते हैं तो वहाँ पे जो है आपको एयरपोर्ट पे ही रोक देगा। इसके बाद जो है आपको बोला जाएगा कि भैया आपके पास कोरोना वैक्सीन का सर्टिफिकेट फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज है या नहीं। इसके बाद अगर आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं तो टीटी वहां पर आपको बार बार चेक करेगा कि आपके पास कोरोना वैक्सीन का सर्टिफिकेट है या नहीं। तो अब आप समझ सकते हैं कि कोरोना वैक्सीन का सर्टिफिकेट कितना इम्पोर्टेंट हो गया है। और इस सिचुएशन में जो है आपके कोई भी गलती है, जैसे नाम, जेंडर, ईयर ऑफ बर्थ या फोटो आईडी नंबर और आपके आधार कार्ड या पासपोर्ट या आपके पैन कार्ड पे कुछ और है, तब तो आप बहुत ही प्रॉब्लम में फंस जाते हैं कि यार मेरा ये इसमें कुछ और है, उसमें कुछ और है। और वहाँ पे जो चेक करता है तो वो भी आप पे डाउट करने लगता है कि ये जो अलग है वो अलग है। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि किस तरीके से आपके कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट में कोई भी गलती है तो उसको आप कैसे सही कर सकते हैं घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से, लैपटॉप से। सो गाइस, मैं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस रेड बटन को दबा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोस पाइए आप रोजाना। आज के वीडियो में मैं आपको डिटेल से यही बताया हूं कि अगर आप जो है वैक्सीन ले लिए हैं कोरोना वैक्सीन, तो अगर आपके वैक्सीन में नाम गलती है या ईयर ऑफ बर्थ या जेंडर या फोटो आईडी नंबर कुछ भी अगर गलती है तो आप उसको कैसे सही कर सकते हैं। आपको कहीं भाग दौड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है या आपको दुकान में साइबर कैफे में जाके वहाँ पे आपको 100-200 रुपये देने की कोई ज़रूरत नहीं है या आपको जो है वैक्सीन सेंटर पर भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि भैया हमको इसको सही कर दीजिए, मेरा नाम गलती हो गया है या जेंडर या फोटो आईडी नंबर गलती हो गया है या ईयर ऑफ बर्थ गलती हो गया, इसको सही कर दीजिए। आपको कहीं भाग दौड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से, लैपटॉप से ये वीडियो देखने के बाद आप अच्छी तरीके से ये सीख जाएंगे कि किस तरीके से अगर आपके कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट में गलती हो गया है तो किस तरीके से उसको आप घर बैठे उसको कैसे सुधार कर सकते हैं। मैं आप सब के लिए ऐसे ही नया नया और लेटेस्ट वीडियो जो है ढूंढ ढूंढ के खोज खोज के लाता रहता हूं, ताकि मेरे जो भी व्यूअर्स है, जो भी मेरे सब्सक्राइबर है, अगर वो इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो ये वीडियो देखने के बाद वो जो है अच्छी तरीके से सीख जाए कि किस तरीके से कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट में कोई भी करेक्शन, कोई भी गलती हो गया है तो उसको जो है वो कैसे ठीक कर सकते हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद आप अच्छी तरीके से सीख जाएंगे कि कैसे आप जो है कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट में कैसे कोई भी गलती को कैसे आप सही कर सकते हैं। जैसे आप पासपोर्ट लगाए हुए हैं तो आप जो है पासपोर्ट की जगह आधार कार्ड कर सकते हैं, आधार कार्ड की जगह पासपोर्ट लगा कर सकते हैं हटा के, या आप जो है आधार कार्ड है आप चाहते हैं कि हम पैन कार्ड फोटो आईडी में लगाए तो वो लगा सकते हैं। तो इस सब पे मैं पहले ही वीडियो बना रखा हूँ, वो वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा, जहाँ से जाने के बाद अच्छी तरीके से आप सीख जाएंगे कैसे रजिस्ट्रेशन करना है कोरोना वैक्सीन के लिए, कैसे सर्टिफिकेट डाउनलोड करेंगे, कैसे है जो आप जो है कोई भी गलती हो गया है उसको आप कैसे करेक्शन करेंगे, कैसे ठीक करेंगे। तो मैं उस सब पे जो है वीडियो बना रखा हूँ, उस सब वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा और वो सब वीडियो देखने के बाद आप अच्छी तरीके से सीख जाएंगे कि किस तरीके से है कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करेंगे, कैसे करेक्शन कैसे करेंगे, रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। अगर आप जो है रजिस्टर किए हुए मोबाइल नंबर तो मोबाइल नंबर को आप चेंज भी कर सकते हैं, उस सब जो है इस वीडियो में भी आपको मिल जाएगा जो मैं बता दिया हूँ और उस सब पर मैं पहले वीडियो बना रखा हूँ। वो सब वीडियो आप देखने के बाद अच्छी तरीके से सीख जाएंगे। और इस वीडियो में मैं आपको ये बताया हूँ कि अगर आपके नाम गलती हो गया है आपके सर्टिफिकेट में तो उसको जो है आप कैसे करेक्शन कर सकते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं। तो ये सब देखने के लिए, ये सब जानने के लिए इस वीडियो को तो भैया आपको लास्ट तक देखना होगा, तभी आप समझ पाएंगे किस तरीके से कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट में आप कैसे कोई भी करेक्शन कर सकते हैं, कोई भी सुधार कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप कम्प्लीटली लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कोविड-19 सर्टिफिकेट में कैसे आप अपना नाम
जेंडर कुछ भी कैसे सुधार कर सकते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगा कि किस तरीके से अगर आपके कोविड 19 सर्टिफिकेट में नाम गलत है तो कैसे उसको आप ठीक कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी ब्राउज़र को ओपन करेंगे और यहाँ पे आपको वेबसाइट डाल देना है COWINWIN, इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा COWINWIN.gov.in। आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने में इसका ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होके आ जाता है। अब यहाँ रजिस्टर और साइन इन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो है आपके सामने में कुछ इस तरीके से ये ऑप्शन ओपन होके आ जाता है। तो यहाँ पे आपको वही मोबाइल नंबर डालना है जो मोबाइल नंबर आप वैक्सीन के टाइम में दिए थे, वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद यहाँ गेट OTP पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पे आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे OTP गया हुआ 6 नंबर का, तो वो OTP आपको यहाँ पे डाल देना है। ध्यान रहे कि वही आपको मोबाइल नंबर डालना है जो मोबाइल आप जो वैक्सीन टाइम जो दिए थे वही आपको डालना है, नहीं तो आपको जो OTP नहीं आ पाएगा। इसके बाद यहाँ पे वेरीफाई एंड प्रोसीड वाले पे क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने में आपका जो पूरा यहाँ पे शेड्यूल ओपन होके आ जाता है और यहाँ पे आपका पूरा डिटेल आ जाता है कि आप कौन चीज़ से वैक्सीन लिए हैं, आपका ID क्या है, आपका नाम क्या है, आप कितना डोज ले चुके हैं और कितना डोज आपका बाकी है। अगर यहाँ पर देख रहे हैं कि आप ले चुके हैं तो आपका सर्टिफिकेट यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इस पे क्लिक करके। तो और इसके बाद जो है आप देख रहे हैं 81 दिन है तो 84 दिन का टाइम रहता है, तो इसके बाद आप दूसरा डोज ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है ग्रीन हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि एड मेंबर है, तो एड मेंबर पे जाके यहाँ पे जो है इस मोबाइल नंबर से आप जो है 4 आदमी को आप इसमें ऐड कर सकते हैं आप एक जो है मोबाइल नंबर से। इसके बाद यहाँ पे अगर आपका नाम जो पूरा गलत है या नाम में कोई शब्द गलत है तो आप जो है बहुत ही इजी तरीके से आप जो है इसको करेक्शन कर सकते हैं। सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है तो आप इस पर क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ और क्लिक करते यहाँ पर आपको डाउनलोड होके आ जाएगा। मैं अलग से वीडियो बना रखा हूँ तो वो वीडियो आप मेरा जाके देख सकते हैं कैसे सर्टिफिकेट को डाउनलोड किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो है सर्टिफिकेट डाउनलोड हो चुका है। अब मैं आपको ये बताऊँगा कि आपके नाम में गलत कुछ भी गलत है तो आप उसको कैसे करेक्शन कर सकते हैं, कैसे सही कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा राइस एंड इशू का, आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको ढेर सारा ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर देखिए करेक्शन इन माय सर्टिफिकेट और यहाँ पे नाम, एज, जेंडर, फोटो आईडी। इसके बाद यहाँ पे जो है आप अपना मल्टीपल डोज को भी आप जो है वैक्सीन सर्टिफिकेट बना सकते हैं। यहाँ पे एड पासपोर्ट है, अगर आप कुछ भी जैसे आप आधार कार्ड से लिए हैं या पैन कार्ड से लिए हैं तो आप जो है उसको बदल करके आप पासपोर्ट लगा सकते हैं। यहाँ पे अगर आपके जो है मोबाइल नंबर रजिस्टर किए हुए हैं जो मोबाइल नंबर अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से उसको चेंज कर सकते हैं। अगर आप जो है ट्रांसफ़र मेंबर, आप मेंबर में आपको बताया हूँ कि आप जो है एक मोबाइल नंबर से 4 मेंबर को ऐड कर सकते हैं। अगर आप जो है मेंबर को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं न्यू मोबाइल नंबर में तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो मैं आपको स्पेशली बताऊँगा कि अगर आपके COVID-19 सर्टिफिकेट में अगर आपका नाम, एज, जेंडर और फोटो आईडी गलत है, कोई दूसरा ऐड हो गया है, तो उसको आप कैसे सही करेंगे। मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ कि आप नाम को कैसे सही करेंगे, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए कि सेलेक्ट मेंबर का ऑप्शन आ गया है, आपको पहले मेंबर सेलेक्ट कर लेना। चलिए मैं यहाँ मेंबर सेलेक्ट कर लिया हूँ। अब यहाँ पर देखिए कि आपको इतना सारा ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर देखिए कि आपका नाम सही करना है, ईयर ऑफ बर्थ, जेंडर, फोटो आईडी, क्या चीज़ आपको करेक्शन करना है वो आपको इसमें से चूज कर लेना चाहिए। जैसे मैं हमको नाम सही करना है तो मैं यहाँ पे चेंज वाले में क्लिक करूँगा। अब जो भी सही नाम है वो आपको यहाँ पे टाइपिंग कर देना है। तो यहाँ पे देखिए कि मैं यहाँ पे नाम डाल दिया हूँ, तो आपको इसी तरीके से जो आपका सही नाम हो वो आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आ जा रहा है इम्पोर्टेंट, यहाँ पर देखिए कि इम्पोर्टेंट वैक्सीन सर्टिफिकेट कैन ओनली बी चेंज वन टाइम, ऑल करेक्टर आर परमानेंट। बोला जा रहा है कि आप इसमें जो है एक बार में कोई एक ही आप इसमें जो है करेक्शन कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, एक बार में 2-3 नहीं कर सकते हैं, तो वो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है। और यहाँ पे देखिए कि बोला जा रहा है नोट में, यू कैन रिक्वेस्ट अप टू 2 चेंज मैक्सिमम इन ए सर्टिफिकेट। बोला जा रहा है कि आप जो भी चेंज कर रहे हैं तो आपको जो है 2 ही बार आपको चेंज होगा मैक्सिमम बार, इसके अलावा जो है दूसरा बार के बाद अगर आप गलती कर रहे हैं तो वो जो है आपको चेंज नहीं होगा। तो आप जो भी
चेंज करना चाहते हैं उसको आप सही तरीके से देख लीजिए कि हम मेरा जो डाल रहे हैं वो सही है या नहीं। इसके बाद अगर आप जो भी चेंज कर रहे हैं वो यहाँ पर देखिए कि बोला जा रहा है चेंज इन वैक्सीन सर्टिफिकेट कैन टेक अप टू 24 आवर्स, मतलब बोला जा रहा है कि 24 घंटे में आपका जो है जो भी करेक्शन कर रहे हैं वो सही हो जाएगा। तो आप जो है अच्छी तरीके से इसको चेक कर लीजिए, अच्छी तरीके से चेक कर लीजिए कि आप जो भी नाम जो गलत है जो वो क्या है और सही जो आप डाल रहे हैं वो क्या है। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइएगा और यहाँ पर देखिए कंटिन्यू का ऑप्शन है, आपको यहाँ कंटिन्यू वाले पे क्लिक कर देना है। जैसे कंटिन्यू वाले पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए कि आपके सामने में यहाँ पर ढेर सारा ऑप्शन यहाँ पर ओपन फिर से यहाँ पर ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पर देखिए कि आपका नाम आ गया जो पहले था और जो आप चेंज कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर आ गया। यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट टू चेंज, तो आपको जो है अगर आप इसमें आपको लग रहा है कि ये गलत हो चुका है तो आप इसको एडिट पर जाकर उसको सही भी कर सकते हैं। इसका दूसरा जो है यहाँ पे जो है अदर वाला जो है जिसको आप नहीं करना चाहते हैं, अगर आप इसको भी चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ एडिट वाले पर जाकर उसको आप एडिट करके उसको सही कर सकते हैं। इसको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइए, यहाँ पर देखिए सबमिट रिक्वेस्ट है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ देखिए जैसे मैं सबमिट रिक्वेस्ट पर क्लिक किया हूँ तो यहाँ पर देखिए कि योर रिक्वेस्ट हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली एंड इज ए बिगेन प्रोसीड, और आपके जो है मोबाइल पे जो है मैसेज भी चला जाएगा कि आपका जो है नाम में करेक्शन हुआ है। तो उसके जो है आपके मोबाइल पे जो मैसेज भी जाएगा और उसमें लिखा रहेगा कि आपका जो है नाम में करेक्शन हो रहा है। तो गाइस यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपका जो यहाँ पर सबमिट हो गया सक्सेसफुली और यह प्रोसीड हो गया और आपके जो मोबाइल पर मैसेज भी चला जाएगा कि आपका जो सही नाम है वो जो है आपको आप डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट पे जाके 24 आवर के अंदर अंदर में। कभी कभी ये होता है कि शायद जो बिजी नहीं होता है ना तो तुरंत आपको जो है सर्टिफिकेट आपको जो तैयार हो जाता है और ये शायद जो बिजी होता है तो इसमें कुछ टाइम भी लग जाता है। तो गाइस इस तरीके से जो है आप COVID-19 सर्टिफिकेट में जो है आप कुछ भी सुधार कर सकते हैं, जैसे नाम, जेंडर, फोटो आईडी और जो है ईयर ऑफ बर्थ। तो गाइस ये वीडियो जो है मेरे चैनल पे नया नया वीडियो पर डे अपलोड होता है और मैं नया नया वीडियो जो है अपने चैनल पर डे अपलोड करते रहता हूँ और मेरे वीडियो से आपको जो गाइस जरूर 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 नया नया जानकारी प्राप्त होगा। तो मेरे वीडियो जो है गाइस आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने फ्रेंडों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि मैं इस तरीके का नया नया वीडियो में आप लोगों के लिए ढूंढ ढूंढ के खोज खोज के लाता रहता हूं, ताकि आप लोग जो है कोरोना वैक्सीन ले रहे हैं अगर आप लोगों को जो है सर्टिफिकेट में कोई भी गलती हो रहा है तो आप टेंशन नहीं लीजिए उसको कैसे करेक्शन करेंगे। आप जो है ये वीडियो देखने के बाद अच्छी तरीके से सीख गए होंगे किस तरीके से COVID-19 वैक्सीन सर्टिफिकेट में आप किस तरीके से कोई भी गलती हो गया है तो उसको आप जो है घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से लैपटॉप से आप उसको करेक्शन कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। आप जो है मोबाइल फ़ोन से भी ऐसे ही कर सकते हैं और लैपटॉप से भी ऐसे ही कर सकते हैं, दोनों का जो है मेथड सेम ही है, मेथड अलग नहीं है, ठीक है। ये जो है लैपटॉप थोड़ा बड़ा हो जाता है स्क्रीन और मोबाइल जो छोटा स्क्रीन होता है, बट जो है आप मोबाइल फ़ोन पे भी जाइएगा वहाँ डेस्कटॉप वर्जन रहेगा उसको इनेबल कर दीजिएगा तो डेस्कटॉप साइट मतलब आप लैपटॉप की तरह हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस ये जो है मोबाइल पे और लैपटॉप पे दोनों पे सेम ही मेथड है, आप दोनों मेथड से जो है अपने सर्टिफिकेट में कोई भी चेंजिंग कर सकते हैं। सो गाइस आपने जाना कि किस तरीके से कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट में आप कोई भी गलती हो गया है, जैसे नाम हो गया, लिंग हो गया, ईयर ऑफ बर्थ हो गया, फोटो आईडी नंबर हो गया, अगर आपके सर्टिफिकेट में इस तरीके से कुछ भी गलती हो गया है तो उसको जो है आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से लैपटॉप से आप अपने कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट में सुधार कर सकते हैं, उसको सही कर सकते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।